चटनी बता दे जाइए आप। आलू टमाटर दाल नींबू। अच्छा आपका ये किस नाम से है? ये पूरी का चटनी भी है। हाँ जोर से बोलिए। श्याम भेलपुरी भंडा। अच्छा श्याम। एड्रेस? राम समाज। नहीं ये एड्रेस किस जगह? बरन रोड। बरन रोड। अच्छा बरन रोड अतमादपुर। बरन रोड अतमादपुर पर ये श्याम चाट भंडार है ना। तो उन्होंने इस तरीके से भेलपुरी बना रहे हैं भैया। कितने साल से कर रहे हो ये काम आप? कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? वो है 21 साल। 21 साल से भेलपुरी बना रहे हो? 21 साल बहुत काफी लंबा। तो देखते हैं कि अंकल किस टाइप की भेलपुड़ी बनाते हैं, किसका स्वाद कैसा है। आवर खिला की भेलपुड़ी तो आपने खाई होगी लेकिन भैया आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको इनकी भेलपुड़ी कैसी लगती है? बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये समाई से आते हैं 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो 2 किलोमीटर दूर से आते हैं, रास्ते में ही कभी कभी यहाँ नहीं आ पाते हैं। भीड़ नहीं रहती, बहुत धीमे धीमे आ पाते हैं। अच्छा हम देखते हुए आ रहे थे। देखते हुए आते हैं? नहीं हम आ रहे थे, हमने सोचा कोई भेलपुरी वाले मिले तो हमें खानी है। ये अहमदपुर सबसे फेमस है। अच्छा अच्छा। तो भैया बता रहे हैं कि हाँ काफ़ी फेमस है यहाँ पे ये इनकी भेलपुरी। और ये सवाई से आते हैं और यहाँ पे कितने बजे आ जाते हैं भैया? 2 बजे। 2 बजे आ जाते हैं, इनकी टाइमिंग है 2 बजे। और 2 बजे आप देख सकते हो ये भेलपुरी बन के आ रही है। कैसी? हाँ कैसा बनाया है इन्होंने ये भेल। तो ये एतमादपुर पे भरे रोड पे खड़े होते हैं। अगर आप यहाँ आते हो श्याम भेल भंडार है ना ऐसे कुछ है। हाँ तो आप जरूर विजिट करें और काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पे आपने देखा कि भैया लोगों ने ही बताया काफ़ी अच्छी टेस्टी भेलपुरी बनाते हैं। तो अब उन्होंने बताएगी कैसी भेलपुरी बनाई है इन्होंने। हमें देख के बेटा देख के अच्छी है। हम लोग पापा कैसी लग रही है? चटपटी है? बढ़िया थोड़ी गरम तो नहीं है। थोड़ी गरम। अब देखो भीड़ लग गई यहाँ पे और भी लोग आ गए हैं। तो चलिए मैं भी खाती हूँ। अब 40 रुपए। हाँ बिल्कुल नहीं वैसे बता रहे थे आप जैसे बनवाना चाहो 10-15 है ना 20 तक ही बनाते हो आप। तो हमने 10 रुपए की भेलपुरी बनवाई है। ये चलिए चलते हैं। ठीक है चलिए। तीन दीदी ने 2-2 लिए, ये 2-2 खाती हैं। ये देखो चलिए बैठ के खाते हैं आराम से।